हाय, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फिजिक्स इन मोशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भाई एनसीईआरटी कैसे पढ़े फिजिक्स की। आपको मालूम है, चाहे आपको सीबीएसई का एग्जामिनेशन देना हो, किसी और बोर्ड का एग्जामिनेशन देना हो, आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आपको नीट, जेई मेन्स और मेनी अदर एग्जामिनेशन, इनमें फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। इसको बहुत सिस्टमेटिकली प्रॉपर सिस्टम से समझना भी बहुत जरूरी है। प्रॉपर सिस्टम से समझना, जो अगर हम कहें मगिंग अप या रट्टाफिकेशन, उसका कोई बेनिफिट नहीं है फिजिक्स में। एक लॉजिकल थिंकिंग, एक रीजनिंग, एक एनालिसिस, ये एक बहुत मेजर रोल रखते हैं। तो सीबीएसई के लिए फिजिक्स कैसे पढ़ें और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए फिजिक्स कैसे पढ़ें, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। सीबीएसई में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आस्किंग है वो काफी ज्यादा है, जबकि आप नीट में देखेंगे तो जो एनसीईआरटी की लाइंस होती है, जब आप उन्हें पढ़ते हो, थोड़ी कॉम्प्रेस्ड होती हैं, उन लाइंस को आपको एक्सपेंड करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, उनको एनालाइज करना पड़ता है। तो उनसे थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिशन में, चाहे वो नीट हो या फिर जेई मेन्स हो। तो सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सीबीएसई में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है वो 70%, अगर एक मैं रफ डाटा में बोलूं, 70% थ्योरी बेस्ड। थ्योरी में मेरी डेरिवेशन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ गए, एसर्शन रीजनिंग की जो थ्योरी बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव जो भी थ्योरी बेस्ड है, मतलब लैंग्वेज बेस्ड है, वो 70% आपके सीबीएसई में हम उनको अहमियत देते हैं। 30% आपका न्यूमेरिकल पार्ट होता है। कॉम्पिटिशन में आप सीधा उल्टा कर दो, आपका जो सीबीएसई का पोर्शन है वो तो आपका एकदम सॉलिड होना चाहिए, ताकि थ्योरी पार्ट आपका पहले ही स्ट्रांग हो चुका है और उसकी वेटेज यहाँ पर 30% आ गई, न्यूमेरिकल पार्ट की वेटेज 70% आ गई। तो न्यूमेरिकल्स में प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी होती है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। और न्यूमेरिकल्स में प्रोफिशिएंसी आप लोगों ने एनालाइज किया होगा, जब हम एक चैप्टर कर रहे होते हैं हमें वो चैप्टर पूरा समझ में आता है, उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, उस टाइम पे वो बन गए होते हैं। लेकिन बात यहां आती है कि वो एक ही चैप्टर आपको फाइनल एग्जाम में नहीं देना, फाइनल एग्जाम में आपको पूरे के पूरे 11th क्लास के और पूरे के पूरे 12th क्लास के चैप्टर्स एक साथ देने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इन टोटल 29-30 चैप्टर्स आपके बन जाते हैं, तो इन चैप्टर्स को आपने एक साथ देना है। सारों के फॉर्मूले आपके दिमाग में फिटेड होने चाहिए और उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला लिस्टिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मूला लिस्टिंग होनी चाहिए, और वो फॉर्मूले हमें रेगुलर टाइम के बाद रिवाइज भी करने चाहिए। और सीबीएसई में कैसे पढ़ना है, नीट के लिए कैसे पढ़ना है, जेई के लिए कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी को, इसके अलावा और कौन सी बुक्स हमारे को चाहिए इन एग्जामिनेशन को क्लैरिफाई करने के लिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, नोट्स कैसे बनाए हम, ठीक है, किस सब्जेक्ट, किस मतलब किस एग्जाम के लिए कैसे नोट्स चाहिए, वो चीज भी मैटर करती है। तो आइए जानते हैं वन बाय वन डिटेल में। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, हमारे सब्जेक्ट का लेक्चर है, तो वी शुड स्टार्ट फॉर इट। तो नीट एंड सीबीएसई फिजिक्स इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को, इन एग्जाम्स को बहुत अच्छे से हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक फ्लो चार्टिंग सबसे पहले डिस्कस की है, उसके बाद इसमें बहुत डिटेल्स हैं। जैसे सबसे पहले आपने कोई भी कंटेंट है उसको रीड किया, रीड करने के बाद जैसे आप क्लास में आते हैं, सपोज करिए आपकी क्लास है 4 PM पे या 5 PM पे, तो उससे पहले कंटेंट रीड करके आइए कि भाई आज की क्लास का टॉपिक क्या है। जैसे सपोज करिए हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक चल रहा है आपका किरचॉफ्स लॉज, मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, तो आप पहली बार पढ़ के आइए, समझ में कम आएगा, अंडरस्टूड है, वो 10% भी आ रहा है ना तो बहुत बड़ी बात है उस टाइम की। कई लोगों को 25-30% भी समझ में आ रहा होता है, सबका अपना अपना स्किल है कि वो कितना समझ पा रहा है, ठीक है। तो इन पर्टिकुलरली एक बार अगर आप प्री रीड करके आते हैं तो आपको कम से कम टॉपिक्स के नाम तो मालूम होते हैं, उनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं आपको पता होता है। फिर उसके बाद जब आप क्लास में आते हैं, आप लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए, जब आप लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो आपको वो लेक्चर एक पीक लेवल पे लेके जाता है कि भाई ये जो 10-15% 25% हमने अब्सॉर्ब किया था, अब हाँ वो सैचुरेशन की तरफ जा रहा है, ग्राफ आपका बढ़ गया, पीक पे आ गया। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है उसको पीक मेंटेन करने के लिए, क्योंकि टाइम के साथ वो पीक डाउन जाने लग जाएगी और उसके लिए आपको रिवीजन जरूरी होता है ताकि आप वापस उसको पीक पे ले जाओ। एक रेगुलर टाइम के बाद रिवीजन बहुत जरूरी होता है।
तो फर्स्ट इज प्री रीड द टेक्स्ट एंड देन गो टू द क्लास। क्लास के अंदर जो क्लास नोट्स है उनको बनाइए। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्लियर। इन नोट्स को, जो क्लास नोट्स आपने बनाए हैं, एनसीईआरटी को दोबारा पढ़िए। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लगते हैं कि हाँ भाई ये पॉइंट्स हमें और ऐड करने चाहिए, तो वो पॉइंट्स आपको उन क्लास नोट्स में ऐड करने चाहिए। और जो मेजर पॉइंट्स है, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, की पॉइंट्स जो होते हैं उनको हाईलाइट करते चलिए कि भाई ये मेन पॉइंट्स हैं, कि अगर मैं एक नजर डालूं पेज पे तो ये पांच पॉइंट्स मुझे मेन नजर आने चाहिए, तो उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना चाहिए, क्लियर। रिविजन बार बार जरूरी है, और इन पर्टिकुलरली जब आप किसी भी टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। यह बेटर है कि आप चार पांच फ्रेंड्स का, चार ज्यादा भी नहीं है, तीन चार मैंने ज्यादा बोल दिए, तीन चार फ्रेंड्स का एक सर्कल रखिए पॉजिटिव थिंकिंग वाले, सारे के सारे आपस में, जो एक दूसरे को सपोर्ट करें और हेल्प करें। वहां पर आप एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, दैट हेल्प्स अ लॉट। जैसे मान लीजिए आपने किरचॉफ लॉ शुरू किया, मैंने एक टॉपिक का एग्जांपल दिया कि भाई किरचॉफ ने कितने लॉ दिए थे, जंक्शन रूल और लूप रूल। अच्छा, जंक्शन रूल किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। लूप रूल किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्या कहते हैं लूप रूल, कौन से साइन कन्वेंशन हमें यूज करने हैं, न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट कौन कौन से हैं, चार पांच फॉर्मेट जो हमें चाहिए, इसके एप्लीकेशन हमने व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज में कैसे किया था, ये सारी चीजें। इस तरह हमें क्वेश्चंस अपने आप से पूछने, ताकि मैं पॉइंट्स को मिस ना करूं। इसको हम अपने दिमाग में रिकॉल करते हैं। एंड आई विल सजेस्ट, एक रफ पेपर और पेन उठाइए, स्क्रिबल करिए, स्क्रिबलिंग, जरूरी नहीं पूरा लिखा हमने, स्क्रिबल करके देखिए, यस आई रिकॉल इट, ड्रॉ द सर्किट रफली फटाफट, है ना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद अपना होमवर्क कंप्लीट करिए, और टेक्स्ट को बार बार रीड करिए, मेमोराइज करिए, और स्क्रिबलिंग, आई मस्ट से अगेन, स्क्रिबलिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपके ब्रेन का और हैंड का कोऑर्डिनेशन बनाता है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ये कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होता है, और एग्जाम में यही कोऑर्डिनेशन मैटर करता है। मैंने कई बार क्लास में बताया है बेटा, कि जब आपको टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको बोर्ड पे बहुत ध्यान से फोकस करना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड पे चल रहे हैं साथ साथ लिख रहे हैं, मतलब आप बोर्ड टू कॉपी कर रहे हैं, बोर्ड टू आईज, आईज टू कॉपी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कंटेंट बोर्ड पे लिखा है, आप उसको ध्यान से सुनिए, एब्जॉर्ब करिए, बोर्ड टू ब्रेन, है ना, बोर्ड टू आईज ऑब्वियसली, और आईज टू ब्रेन, एंड देन ब्रेन टू कॉपी, बोर्ड टू आईज, आईज टू ब्रेन, एंड देन ब्रेन टू कॉपी, ब्रेन से कॉपी पे आए। क्यों, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बोर्ड टू आईज, आईज टू कॉपी, आईज टू कॉपी, तो आपकी ब्रेन में तो गया ही नहीं, और एग्जामिनेशन टाइम पे बोर्ड गायब हो गया, अब आपको कहां से चाहिए आंसर, ब्रेन से चाहिए, ब्रेन टू कॉपी। अब ब्रेन में आपने डाला नहीं था, तो जो इनपुट नहीं गया उसका आउटपुट कहां से आएगा, समझ रहे ना बात को। तो उस टाइम पे आप आईज टू कॉपी, बोर्ड गायब है तो आईज टू कॉपी कर रहे होते, और फिर वहां पर आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं इस बारे में, समझ रहे हैं। तो नो आईज टू कॉपी, इट शुड बी फ्रॉम बोर्ड टू आईज, आईज टू ब्रेन, एंड देन ब्रेन टू कॉपी। दिस इज द प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्टडिंग एनीथिंग। मैथड क्या है पढ़ने का, वो मैं आपको समझा रहा हूं। और इन पर्टिकुलरली परेशान भी नहीं होना, जैसे ये पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, हम सोचते हैं कि भाई क्या हुआ, ये पैंडेमिक का टाइम है, हम कैसे करेंगे, क्या है, कुछ नहीं होना यार, थोड़ा टाइम वेट करो, बहुत अच्छे से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। थिंक फॉर पॉजिटिव, है ना, केयरफुल रहिए, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, जो जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी उनको मेंटेन करिए, और अच्छे से चलिए, सारा टाइम निकल जाएगा, आगे सब बढ़िया होने वाला है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम आगे बढ़े और परेशान ना हो, ठीक है। अगर कोई चीज, जैसे हम ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं तो भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये मैं बार बार कहूंगा, ऑफलाइन में इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में भी आप इफेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं अपने सेल्फ कंट्रोल को इंक्रीज करके, ठीक है। तो आइए जानते हैं जरा सा और डिटेल में इन बातों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई के लिए, जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, इसमें थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और
और न्यूमेरिकल्स का भी रोल है, अगर मैं क्लासिफाई करूं तो 70-30 के रेशियो पे मैं क्लासिफाई करूंगा, बाकी इट्स अप टू द एग्जामिनेशन आल्सो, कई बार चीजें वेरी भी करती हैं। क्लियर? जो मैं वेटेज देना चाहता हूं वो 70 और 30 देना चाहता हूं एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं, ये बार बार बता दूं, जब हम पढ़ाते हैं तो हम जितनी थ्योरी पढ़ रहे होते हैं उससे ज्यादा कई बार न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं। ये बच्चों ने एनालाइज किया, उसका रीजन ये है, उसका हम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कर रहे होते हैं, चाहे वो इन टेक्स्ट हो चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने हैं जो हमारे सिलेबस में, वो भी हम कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारे अदर क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं, टॉकिंग अबाउट सीबीएसई कॉम्पिटिशन के लिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। तो हम ज्यादा क्वेश्चन क्यों करते हैं न्यूमेरिकल्स? 30% की मैं बोल रहा हूँ वेटेज और करवा रहा हूँ 60-70%। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब हम कर रहे होते हैं तो हमारी एनालिसिस स्ट्रांग होती है, फॉर्मूले को एनालाइज करना और उससे दोबारा सेकेंडरी क्वेश्चन बनाने की पावर, ध्यान से सुनिएगा, सेकेंडरी क्वेश्चन बनाने की पावर बढ़ती है। हमने एक चीज को एनालाइज किया, उसको ढंग से समझा, उसकी सेकेंडरी क्वेश्चन बनाए कि भाई इस न्यूमेरिकल में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखो फॉर्मूला टूट के ऐसे ऐसे भी बनता है, एक नई बात मालूम चल रही है मुझे, और वो जो नई बात मालूम चल रही है उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए ना, दैट इज गोइंग टू मेक कॉन्सेप्ट पार्ट स्ट्रॉन्गर। आई मस्ट से सेकेंडरी थ्योरी, नॉट डायरेक्ट प्राइमरी, सेकेंडरी थ्योरी बिकम्स मच 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 मोर स्ट्रॉन्गर। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो लेट अस समराइज द पॉइंट्स एक बार फिर। स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन फॉर सीबीएसई, आई एम कमिंग टू नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो फर्दर, एक एक करके सारे एग्जाम्स की बात करेंगे, जेई की बात करेंगे, उसके बाद वन बाई वन। मेक ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ डेरिवेशंस, फॉर्मूले, एक्सपेरिमेंट्स, रिवाइज देम रेगुलरली एंड कीप देम हैंडी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। मतलब शॉर्ट नोट्स आपके तैयार होने चाहिए, उसके अंदर आपकी डेरिवेशंस पॉइंट्स। देखिए अब शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाते हो मैं आपको क्लासेस में बहुत बार समझा चुका हूँ और कई बार शॉर्ट नोट्स दिखा भी चुका हूँ आपको कि भाई देखिए इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस तरह अपने शॉर्ट नोट्स खुद के बना सकते हैं इनको यूज करके। तो जब वो एग्जाम में एक होते हैं मेजर नोट्स और एक होते हैं शॉर्ट नोट्स फॉर रिविजन, शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला लिस्टिंग विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको हम बोलते हैं। तो इन पर्टिकुलरली शॉर्ट नोट्स बनाइए, डेरिवेशंस के पीछे क्या लॉजिक है उनको समझिए, मगअप रट्टाफिकेशन नहीं, डेरिवेशन आनी चाहिए लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझ में आना चाहिए कि भाई बोलना क्या चाहता है ये, कौन सा पॉइंट कहां पर है। क्लियर? उसके बाद हम में से कई बच्चों को न्यूमेरिकल पार्ट अच्छा नहीं लगता, कहते हैं यार ये क्या आ गया भाई, एग्जाम में तो आएगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना। और मोर ओवर सिर्फ न्यूमेरिकल का 30% नहीं है, वो 70% थ्योरी में भी अपना इंट्रोड्यूशन करता है, इंट्रोड्यूट कर जाता है वो थ्योरी में, सेकेंडरी थ्योरी के फॉर्म में, वहां से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस को भी घुमा देती है ना। और मैंने आपको बहुत बार दिखाया है क्लासेस के अंदर कि कैसे क्वेश्चन में ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल्स एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करने हैं, इजी से स्टार्ट करने हैं, इजी से टफ टफ टफर 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 इस तरह जाना है, एकदम हाई न्यूमेरिकल से शुरू नहीं करना, वो आपको डिमोरलाइज करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज करवा देगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी होती है। जैसे सपोज करो भाई हम क्रिकेट खेलने, आपका फेवरेट गेम बोल देता हूं कई लोगों का, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आपने सीखना शुरू किया, स्टार्टिंग कर रहे हैं, कोच सिखा रहा है, तो यार पहली बॉल ही बाउंसर मार दो बच्चे के, उसकी नाक टूट जाए, वो सीखने आया है, तो अगली बार से तो वो भाग जाएगा, कहेगा नहीं करना भाई बड़ा बेकार चीज है। आर यू गेटिंग इट? तो पहली बार में बाउंसर नहीं मारी जाती, पहले वो क्या बोलते उसको भट्टा वो खिलाया जाता है कि ले बेटा मार, दो चार बार मार। अब बच्चा भी डिटर्मिनेंट होना चाहिए कि दो चार बार मारा, फिर थोड़ी सी फास्ट पे भी मारेगा, फिर और फास्ट पे मारेगा, तो स्टेप बाय स्टेप दैट इज ए प्रोसेस। और ये आपकी कोच पे डिपेंड करता है कि वो कैसी मेथडोलॉजी अडॉप्ट करता है, बच्चे का काम होता है कोच के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, अपना जो मेंटर है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और उसी लाइन पे वर्क करना। अगर वो तमीज से वर्क कर रहा है पूरे डेडिकेशन, तमीज मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ होल हार्टेडली पूरा ब्रेन फोकस करके, तो उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस सैंपल पेपर सॉल्व करिए, जो सीबीएसई ने निकाला हुआ है वो सैंपल पेपर, उस सैंपल पेपर को एनालाइज करिए कि भाई सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चंस
कैसा है और उससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्टिंग देंगे, उनको कंप्लीट करिए। जैसे अभी पीछे आपको याद होगा टर्म वन के टाइम पे मैंने सीबीएसई का सैंपल पेपर डिस्कस किया था, एक लाइव क्लास रखी थी और उस पेपर के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि यार ये पेपर में क्वेश्चन सैंपल पेपर में इससे रिलेटेड ही 5 क्वेश्चन बनते, इनमें से एक एग्जाम में आ जाएगा। और आपने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्टली उसमें से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो एग्जाम से कुछ दिन पहले का है और एग्जाम उसके बाद में हुआ है, पेपर भी मैंने लास्ट में डिस्कस किया है, सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए और आपने देखा है कि ये चीज आपको मिली है। सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, अगर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट में आएंगे, बस प्रोवाइडेड आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, आपके टीचर की एनालिसिस सही होनी चाहिए। बहुत तमीज से जैसे बताया जाए वैसे भरोसा रख के करिए, सॉल्व होता है और निकलते हैं एग्जाम बहुत इफेक्टिव रेट में। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए इस बार के भी, अगर हम सीबीएसई की बात करें तो 95 प्लस तो भरे पड़े होते हैं बच्चे, कॉम्पिटिशन्स में भी 99.7-99.8 परसेंटाइल वाले बहुत बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से एग्जाम निकाला हुआ है। तो इन पर्टिकुलरली डिपेंड आप पे कर रहे हैं कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं और चीजों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, जब आपने सैंपल पेपर ट्राई कर लिया, एनालिसिस कर ली, अच्छे से सारा मगअप कर लिया, मगअप मतलब समझने के बाद मगअप, रट्टा नहीं मारना, उसके बाद कम से कम 5 फुल लेंथ टेस्ट ट्राई करिए। फुल लेंथ टेस्ट पूरी ईमानदारी के साथ, जितने ड्यूरेशन का, जैसे 1.5 घंटे का टेस्ट है तो 1.5 घंटा सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ टेबल पे, पेपर लो, सॉल्व करो, खत्म। 1.5 घंटे बाद ही उठेंगे चाहे जो हो जाए, क्लियर है? तो और जिस टाइम पे एग्जाम होता है उसी टाइम पे पेपर दीजिए, उससे आपका एक बायोलॉजिकल टाइम साइकिल भी मेंटेन होती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है? जब एग्जाम आपका होता है उस टाइम पे जो डिस्क्रिप्टिव आंसर होते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। एसर्शन रीजनिंग है, आपकी थिंकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले और डेरिवेशंस के पीछे के पार्ट भी क्लियर होने चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया लॉटरी है, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, आपको डिराइव करना पड़ता है फॉर्मूला थोड़ा, या फिर पीछे जाना पड़ता है, बैक स्टेप जाना पड़ता है, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना है। मोर ओवर अगर पेपर सब्जेक्टिव आता है तो न्यूमेरिकल्स आपको करके दिखाने होंगे, वहां पर अप्रोक्सीमेशन बहुत कम चलते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव में हम दबा के अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं आंसर फास्ट करने के लिए। क्लियर, शॉर्टकट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं चलेंगी, पूरा लिखना होगा। और मोर ओवर आई विल सजेस्ट अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो उसके साथ साथ आप वहां पर उसका ग्राफ अगर है या कोई डायग्राम है तो बनाइए, वो प्रेजेंटेशन को क्लियर करता है। आप खुद इमेजिन करो ना यार, आपने एक पेज लिखा हुआ है पूरा लैंग्वेज और एक पेज में आपका कुछ लैंग्वेज है, कुछ डायग्राम है, कुछ लैंग्वेज है, कुछ डायग्राम है, आप किसको पढ़ना पसंद करोगे? अपने आप से सोचिए ना, आप किसको पसंद करेंगे, कौन सा पैटर्न आपको मतलब अच्छा लगेगा, आपकी आईज को सूद करेगा। आईज का डायरेक्ट रिलेशन आपकी ब्रेन से, आपकी आईज को सूद करेगा तो आपको समझ में भी जल्दी आएगा। कई जगह प्रिंटिंग थोड़ी इम्प्रॉपर होती है, आपका पढ़ने का भी मन नहीं करता, तो आप सोचिए ना, जब आप गंदी राइटिंग में लिख के आएंगे सब्जेक्टिव पेपर को तो आपके एग्जामिनर का क्या, उसको पढ़ने का मन करेगा? समझ रहे हैं? जब उसका मन नहीं करेगा तो अपने मन पहले ही खराब कर दिया, आप समझ सकते हैं। तो राइट क्लीन क्लियर प्रॉपर प्रेजेंटेशन, स्कोर वेल, तो ये सारी चीजें जरूरी थी सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए, फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नीट के लिए। नीट एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, अगर यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं श्योरली रिप्लाई करूंगा और जितनी मैं हेल्प कर सकता हूं कोशिश करूंगा मैं आपकी हेल्प करने की। तो ये बातें अगर आपको ध्यान है तो इसके बाद हम बात करते हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए। आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं कुछ डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी होते हैं, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड मैं उसको बोल रहा हूं जो सेकेंडरी, आपको बताया ना सेकेंडरी क्वेश्चंस होते हैं, जो आपने इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी से ली उसको डिराइव करके दूसरी कुछ नया समझा, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, क्लियर? ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आर फ्रॉम एनसीईआरटी, एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ये कम होते हैं लेकिन आपका फाइनल डिसीजन ये वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ही लेते हैं। तो इसके लिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स में
तो आप कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड जेई के भी सॉल्व कर लीजिए, एटलीस्ट जेई के पीवाईक्यूज तो कर लीजिए। उसका बेनिफिट ये होता है कि जेई का ही जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा डाउन होकर के नीट पे आता है। तो इन पर्टिकुलरली अगर हम फिजिक्स की बात करें तो वो नीट की जो फिजिक्स है वो सीबीएसई से काफी ऊपर है और जेई से हल्का सा नीचे है। क्लियर है? अब तो आपका एम्स का एग्जाम भी अलग से नहीं होता, तो जो एम्स के पीवाईक्यूज थे उन पे भी आप फोकस कर सकते हैं, वो भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? तो अब जरा देखिए, जो थ्योरी ओरिएंटेड या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं 15 से 20 होते हैं, न्यूमेरिकल या डेरिवेशन बेस्ड होते हैं वो भी 15 से 20 होते हैं, जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं 5 से 10 होते हैं, और जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं वो भी 5 से 10 होते हैं। क्लियर? तो इन पर्टिकुलरली नीट फिजिक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नीट के लिए आपका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप एनसीईआरटी, सेकेंड स्टेप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फुल एनालिसिस के साथ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फुल एनालिसिस के साथ, और नीट के लिए एचसी वर्मा। इसके बाद अगर आप इतना कर लेते हैं उसके बाद एचसी वर्मा के एटलीस्ट मिनिमम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं एचसी वर्मा में उनको कंप्लीट करिए पूरी थिंकिंग के साथ, और उसके कुछ क्वेश्चन जो आप स्टेप बाय स्टेप, एचसी वर्मा में बहुत अच्छी बात ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर रखे हैं, लेवल स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर रखा है, तो आप उसके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई जो मैंने किया है वो एक्चुअल है, आई एम एबल टू डू दैट। क्लियर? और जब हम जेई की बात करेंगे तो फिर एचसी वर्मा पूरी की पूरी फुल डिटेल में आपको अच्छे से करनी चाहिए, प्लस में जेई के पीवाईक्यूज करिए, समझ लें, जेई के पीवाईक्यूज करिए और उनसे एनालिसिस, और भी बुक्स हैं और भी स्टडी मटेरियल है तो उसको आप कंप्लीट करिए, जैसे आपकी कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल है आप उसको कंप्लीट करिए, उसमें बहुत इंफॉर्मेशन होती है ना, अगर प्रॉपर स्टडी मटेरियल है उसको कंप्लीट करिए, प्लस में अदर बुक्स भी आप यूज कर सकते हैं एज पर एंड योर लेवल व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन जब हम नीट की बात करेंगे, अभी मैं नीट की बात कर रहा हूं, तो ध्यान देना फिजिक्स का जो पोर्शन है वो 25% है इस एग्जामिनेशन का, 25% ही केमिस्ट्री भी है और 50% बायोलॉजी भी है। तो हमने फिजिक्स पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, कम से कम 160 नंबर का टारगेट रख के चलना है, और इट्स वेरी इजी टू स्कोर 160, आई मस्ट से वेरी इजी टू स्कोर 160 इन नीट फिजिक्स। क्लियर? प्रोवाइडेड आप सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं। अब अगर 160 आपके नीट फिजिक्स में आते हैं, आपको रिसर्च नहीं करनी है फिजिक्स में, ध्यान देना कि पता चला फिजिक्स ही फिजिक्स में लगे रहे, बायोलॉजी की ऐसी की तैसी कर दी, आप समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाहता हूं, बायो को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, केमिस्ट्री को भी बहुत इंपॉर्टेंस देना है। अब मेरा पर्सनल एनालिसिस जो है वो ये कहता है कि अगर बायो नहीं आती तो सब बेकार है, समझ रहे? मैं फिजिक्स का टीचर हूं लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा ये बात, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, बायोलॉजी आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि 330 340 की रेंज में आपके नंबर बनते हो, और स्पीड इतनी हो जानी चाहिए, क्योंकि देखिए 3 घंटे का पेपर है, बायो के जो क्वेश्चंस आपने चॉइस वगैरह हटा दे हो तो इन पर्टिकुलरली 180 क्वेश्चन आपने करके दिखाने आज की डेट में, ठीक है, चॉइस को मैं साइड कर रहा हूं, जो करके आने 180 क्वेश्चन करके आने, तो 180 क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है, और आपको ये कायदे से 40 से 45 मिनट के अंदर खत्म कर देने चाहिए। 40 से 45 मिनट के अंदर क्यों? क्योंकि यार फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ लंबे होते हैं, उनको टाइम ज्यादा चाहिए होता है, फिजिक्स का जो पेपर है वो 1 घंटे से पहले सॉल्व नहीं होता, 1 घंटा उसका स्टैंडर्ड टाइम है, कई बार कैलकुलेशन के कारण 15-20 मिनट मुझे दूसरे सब्जेक्ट से चाहिए, तो 10 मिनट में बायो से और 10 मिनट केमिस्ट्री से अगर निकाल लूं, क्योंकि उनमें जल्दी हो जाता है आपको बता दूं, तो फर्स्ट जो मेरे को लगता है सबसे पहले बायो कंप्लीट करिए उसमें टाइम बचाइए, फिर केमिस्ट्री कंप्लीट करिए उसमें टाइम बचाइए। बायो केमिस्ट्री बहुत बढ़िया हो गई तो आप सोचिए, अगर 330 वहां मिल गया, 160 मिल गया, तो कितना हो गया आपका 490 का स्कोर बन गया, 490 के बाद अगर 160 आप फिजिक्स में ले आते हैं तो 650 के अराउंड जो कि आपको इजीली एडमिशन दिलवा देगा। इनफैक्ट फिजिक्स का स्कोर हमारी इस बात पे हेल्प करता है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, एडमिशन होगा या नहीं ये आपकी बायो और केमिस्ट्री ही डिसाइड कर देती है, ध्यान देना बायो और केमिस्ट्री ही डिसाइड कर देंगे कि आपको आपका नीट में कहां मतलब कितना लेवल आपका जा रहा है। उसके बाद फिजिक्स वो डिटरमिनिंग फैक्टर है जो आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज दिला सकता है, आपके स्कोर में इतना एडअप कर देगा कि आपको एक बहुत बढ़िया कॉलेज आपको मिलेगा और एक बहुत बढ़िया डॉक्टर आप बनेंगे। तो इनफैक्ट ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, तो
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं कि आपके पास जो मैंने बातें बताई जैसे समरी है, कीप ए लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूले, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग एनसीईआरटी, मेक प्रॉपर क्लास नोट्स, डिराइव करिए और उनके पीछे का लॉजिक समझिए, ये सारी बातें मैं बोल चुका हूं। जैसे समरी है, रीड सेम चैप्टर अगेन एंड अगेन फ्रॉम द रेफरेंस बुक, स्टार्ट सॉल्विंग रिलेवेंट क्वेश्चंस एंड फाइनली डोंट मिस एनसीईआरटी एग्जांपलर प्रॉब्लम्स, ओके, वर्क अपॉन योर कॉन्सेप्ट्स, क्लियर। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आपको मजा आने लग जाएगा, आप देखते हैं दो चार न्यूमेरिकल होने लग जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप सोचते हैं यार और कर, लेकिन वो पहले ही उठा लेते हैं मुश्किल वाला, बाउंसर नाक तोड़ देता है, उसके बाद साइड हो जाते हैं यार हम, तो ये नहीं करना है, सिस्टम से फॉलो करना है, सिस्टमैटिकली करना है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए हाँ ये बताना चाहूंगा मैं एक बार दोबारा बोलूंगा ये बात, ध्यान दीजिएगा, रिसर्च नहीं करनी है फिजिक्स में, फिजिक्स 180 नंबर की है, उसके लिए बढ़िया से प्रिपेयर करना है, जितना उसके लिए रिक्वायरमेंट है उतना टाइम देना है, और 160 से नीचे का स्कोर नहीं होना है, ये सोच के चलना है आज की डेट में, 160 से नीचे का स्कोर आप खुद समझ सकते हैं, यू बेटर अंडरस्टैंड, एंड आई डोंट वांट टू स्पीक एनी नेगेटिव वर्ड, मैं जस्ट आपसे पॉजिटिव बातें करना चाहता हूं कि आप उसको फैक्चुअली इंप्लीमेंट करें और करके दिखाएं कि हाँ भाई हो रहा है, क्लियर। तो जब हम बिगिनर्स की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत होती है, जब हम जेई की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो जेई में बच्चों के पास मैथ्स होती है, उन्होंने मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, तो मैथमेटिक्स उनके लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नीट के लिए बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है 90% बच्चे ने मैथ्स नहीं ले रखी होती, और सजेस्ट भी नहीं करूंगा मैं कि अगर आप फोकस्ड है नीट पे तो आप मैथ्स दें, क्यों नहीं सजेस्ट करूंगा मैं, फिजिक्स का टीचर हूं, मैथ्स तो बहुत जरूरी है यार। देखिए जितनी मैथ्स नीट में चाहिए ना उतनी मैथ्स आप 3-4 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स, बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बेसिक इतना आपको आना चाहिए, लॉग ऑफ की थोड़ी मोड़ी प्रॉपर्टीज जो आप बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ लेते हैं, 3-4 दिन अगर आप तमीज से 6-7 घंटे लग जाते हैं तो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाती है, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें अप्लाई करिए, सीखिए, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेफिनेट इंटीग्रल उसका बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स के अंदर, लिमिट्स कैसे लेनी है वो सारी चीजें मैटर करती हैं, तो जो पर्टिकुलर मैथमेटिक्स है फिजिक्स में जब अप्लाई करना है तो आपके फिजिक्स के टीचर ने कौन सी मैथमेटिक्स बताई उस पर ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स वाली मैथमेटिक्स बहुत बड़ी है, फिजिक्स में जो अप्लाई होनी है वो बहुत छोटी है अभी आपके लेवल पे, आपके लेवल पे, आगे तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स की बहुत जरूरत है आपको फिजिक्स में, ठीक है, तो नीट के लेवल पे जो मैथ्स चाहिए वो बहुत कम है, अगर आप थोड़ी सी भी मैथ्स प्रिपेयर कर लेते हैं रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखिए। इसके बाद ये आपके पास जस्ट ये सारे नोट्स बनाए हुए कि PYQs आप कंप्लीट करिए, HC वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करिए स्टेप बाय स्टेप, क्लियर, स्टेप बाय स्टेप, और आई विल अगेन सजेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लीजिए, HC वर्मा के जो मल्टीपल चॉइस 1 है और 2 में मोर देन 1 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी एक दिमाग खुलता है, हमारी थिंकिंग स्ट्रेटजीज वेरी करती है, समझ रहे हैं, तो ऑल दीज थिंग्स यू शुड कवर अप, अगर आप इतना कवर करते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हाउ टू रीड एनसीईआरटी फॉर नीट, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, मतलब रिवीजन मेरी आदत है बीइंग अ टीचर कि रिवाइज करवा देता हूं, जस्ट पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं, मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ फॉर्मूलास, फॉर्मूलों का रजिस्टर बनाइए और उनको बार बार रिवाइज करिए, मैं तो कहूंगा मेन नोट्स जो आपकी क्लास के होते हैं उसके बाद एक फॉर्मूला रजिस्टर साथ साथ बनाते जाइए, हर चैप्टर के फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से वहां पर लिस्टेड है, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिए, मतलब एक ही क्वेश्चन के पीछे मत पड़ जाओ कि यार ये फॉर्मूला आ गया तो इसी के 50 क्वेश्चन कर लूंगा, ना, अगर आप एक वैरायटी के दो हद से ज्यादा एक वैरायटी के दो या तीन क्वेश्चन, बाकी आप डिफरेंट मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जितनी वैरायटी आप बेटर करेंगे आपके लिए इतना ईजी होगा, जेई मेन्स के पेपर को भी थोड़ा देखिए एनालाइज करिए टू गेट एन एज ओवर द अदर्स, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन एंगर बोरिंग मोनोटोनस कोर्स ये सब मत सोचो, अपने ड्रीम को सोचो कि यार डॉक्टर बनना है, बहुत सुंदर प्रोफेशन है, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, ब्यूटीफुल जर्नी है, उसके बारे में सोचो कि हाँ भाई वहां पहुंचना है
तो इससे तो गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। परेशान होके गुजरे तो पहुंच भी नहीं पाएंगे, और खुशी से गुजरेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो डोंट गेट परेशान, सीधी सी भाषा में। ठीक है, एवरी पर्सन हु इज इन मेडिकल फील्ड हैज गॉन थ्रू इट, बिल्कुल है ना, जो लोग मेडिकल फील्ड में उन्हें पता है कि इसके बिना किसी का काम नहीं चला है। ठीक है, पूरे डेडिकेशन के साथ करिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंड अगेन आई विल से अवॉइड एक्सट्रीमिज्म इन फिजिक्स। नीट की प्रिपरेशन करते टाइम एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है कि हम एडवांस भी क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गए। भैया एडवांस भी क्वेश्चन नीट में कोई मतलब नहीं है आज की डेट में, जो पेपर का सिनेरियो है उसमें एडवांस का कोई मतलब नहीं है नीट की प्रिपरेशन के लिए। क्लियर है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतना ही आप प्रोफिशिएंट होंगे। ये बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, आई होप सो आप सबको अच्छी लगी होंगी। शेयर द चैनल, शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।